महाराजा रणजीत सिंह की रियासत पंजाब जो कि 1799 से 1849 तक कायम रही, उसको तारीख में द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड ऑफ पंजाब कहा जाता है। नौनिहाल सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह का सबसे बड़ा पोता था, उसके बारे में एक इम्प्रेशन था कि वो रियासत पंजाब का सबसे काबिल वारिस है। ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रेव, वेरी इंटेलिजेंट, विद ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज, जो कि एक आम इम्प्रेशन था कि ये सब क्वालिटीज़ महाराजा रणजीत सिंह की किसी और औलाद में नहीं पाई जाती। इसीलिए उस वक्त की सोसाइटी में ये एक आम तासुर था कि नौनिहाल सिंह ही रियासत पंजाब का सबसे काबिल सक्सेसर बनने के लायक है। हवेली नौनिहाल सिंह लगभग 1837 में शहजादा नौनिहाल सिंह के लिए तामीर करवाई गई। बदकिस्मती से वो इस हवेली के बनने के 3 साल के अंदर अंदर 1840 में 19 साल की कमसिन उम्र में बहुत ही पुर इसरार हालात के तहत हलाक हो गया, जिसके बारे में आज तक तारीख दान मुख्तलिफ आरा रखते हैं। उसकी हलाकत के बाद पंजाब की अजीम रियासत की तबाही नागुजीर हो गई और चंद सालों के अंदर ही अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। His beautiful हवेली though still stands as a reminder of this once very promising character of Punjab's history. ये हवेली जो है ये लाहौर के मोरी दरवाजे में वाक़ है, जो कि लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, और ये हवेली सिख आर्किटेक्चर की एक आला तरीन मिसाल है। बरे सगीर की जो आर्किटेक्चरल फिलासफी है उसकी खासियत उसकी कंटिन्यूस एवोल्यूशन है। हर दौर का आर्किटेक्चर अपने से पिछले दौर के आर्किटेक्चर को अपना के उसमें अपने एलिमेंट शामिल करके एक नई डिज़ाइन फिलासफी को मुतारफ कराता रहा है। हिंदू शाहिया दौर के आर्ट को दिल्ली सल्तनत के दौर ने अपनाया और इसमें अपने एलिमेंट शामिल किए। सल्तनत दौर के आर्ट को मुगलों ने और इसी तरह मुगल डिज़ाइन फिलासफी को सिखों ने अपना के उसमें अपना यूनिक फ्लेवर शामिल किया। सो Sikh design philosophy is a blend of all the design philosophies previously used in the subcontinent, with their own unique flavor added to the mix. And Sikh design philosophy is known for its dramatic and theatrical style. So Sikh architecture represents the peak of the evolutionary process of subcontinental architecture before the British came down and destroyed it. हमारे traditional architecture philosophy की जो brilliance थी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे इंडिजिनस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का था। रिवायती तौर पे हमारी सोसाइटी एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड माशरा था, जिसकी बुनियाद थी अ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू। इस शेयर्ड वर्ल्ड व्यू की खासियत थी इंटरफेथ हार्मनी, टॉलरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटी। नॉट दैट के ऐसी सोसाइटी में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, नेगेटिविटी थी, but that negativity was an exception rather than the rule. The norm was socio-economic peace governed by a normative spiritual order. So us maashre ke har pehlu mein ruhaniyat ka ek bahut gehra ansar maujood tha, and art was no different. Is society mein us spiritual enlightenment ko hasil karne mein art ka bahut ahem kirdaar tha. Art ka maqsad dekhne wale ko एक ऐसा एक्सपीरियंस देना था दैट कुड डिटैच हिम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एवरीडे मंडेन इमोशंस एंड अपलिफ्ट हिम टू अ हायर प्लेन ऑफ ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस, कनेक्टिंग हिम विद द हायर पावर। उस सोसाइटी में आर्टिजंस तो होते थे, आर्टिफैक्ट्स भी होते थे और क्राफ्ट्स भी होते थे, लेकिन आर्ट इन द कंटेम्प्रेरी सेंस नहीं होता था या आर्टिस्ट इन द कंटेम्प्रेरी सेंस नहीं होता था। उस सोसाइटी में इंसान आर्ट को या खूबसूरती को क्रिएट नहीं करता था, वो ये क्लेम नहीं करता था कि वो ओरिजिनल है या क्रिएटिव है। वो तो सिर्फ खालिक की क्रिएशन की डाइवर्सिटी और जो खालिक की तख्लीक की खूबसूरती है उसको अपने काम में रिफ्लेक्ट करता था, क्योंकि उस सोसाइटी में ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी वर द डोमेन ऑफ द डिवाइन, वो सिर्फ खालिक का इख्तियार था। यही वजह है कि सब कॉन्टिनेंट के आर्किटेक्चर और आर्ट में मजहबी पहलू और सिंबल्स का बहुत इस्तेमाल होता आया है, और यही किस्सा सिख तर्ज तामीर के साथ भी है। और चूंकि सिख धर्म बड़े सगीर में पैरवी किए जाने वाले मुख्तलिफ मजाहिब का मुरक्कब है, जैसे हिंदुइज्म,
इस्लाम और बुद्ध मत, इसलिए सिख डिज़ाइन फिलॉसफी में उन मज़ाहिब की मिथोलॉजी और सिंबल्स का बहुत इस्तेमाल होता आया है। एंड द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज़ कि हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किए गए सिंबल्स महज स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स नहीं होते थे, बल्कि उनके पीछे हमेशा एक हिडन मीनिंग, एक मैसेज होता था। एंड हवेली नौनिहाल सिंह इज फुल ऑफ दोज। ये हवेली रेक्टेंगल शेप में है, जिसका एक तहखाना और ज़मीन से ऊपर दो मंजिलें हैं, और इसके शुमाल मगरबी कोने में छोटे हुजम की दो मंजिलें मजीद खड़ी हैं। इस हवेली की मगरबी रुख की दीवार रंग से भरपूर एक नहायत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है, और यहीं इसका दाखिली दरवाज़ा भी मौजूद है। और इस दीवार का सबसे नुमाया पहलू है इसके दाखिली दरवाजे के ऊपर एक खूबसूरत झरोका। दिस झरोका इज नोन एज झरोका दर्शन, जहां से नौनिहाल सिंह अपने सब्जेक्ट्स को अपना दर्शन करवाता था। इट इज एन एक्सक्विजिट डिजाइन विद स्कल्प्टेड ब्रिक वर्क एंड अ बल्बस हाफ डोम एट इट्स टॉप। उसके अलावा इस झरोके में इमेजरी का भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, लाइक विंग्ड क्रीचर्स, पैरट्स एंड फिश। लेकिन इसकी ज़ाहरी खूबसूरती के अलावा इस झरोके की सबसे कमाल बात है इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स और इमेजरी में छुपा उनका हिडन मीनिंग, विच इज़ वेरी इजी टू मिस फॉर द अनइनिशिएटेड। इस झरोके के नीचे वाली ब्रैकेट्स में हम देख सकते हैं कि दो दो की तादाद में चार सेट्स आधे इंसान और आधे परिंदे नुमा मखलूक के बने हुए हैं, जिनके सर के ऊपर एक और जानवर भी बना हुआ है जिसका मुंह खुला हुआ है। इन फिगर्स के दरमियान चार चार की तादाद में पांच सेट तोतों के बने हुए हैं। ये बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती थी। सो व्हाट आर दीज फिगर्स? अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, द हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड क्रीचर इन ब्लू इज द हिंदू एंड बुद्धिस्ट मिथोलॉजिकल फिगर कॉल्ड गरुड़ा और गरुड़। हिंदू मिथोलॉजी में गरुड़ा एक आधा इंसान और आधी चील नुमा मखलूक है, जो हिंदू देवता विष्णु की सवारी का काम अंजाम देता है। हिंदू आर्ट में आमतौर पर गरुड़ा को चील की शक्ल में दिखाया जाता है, लेकिन अक्सर औकात गरुड़ा को इंसानी शक्ल में भी दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंगली, हिंदुइज्म के अलावा गरुड़ा ईस्ट एशियन ममालिक के कल्चर्स का भी बहुत अहम सिंबल है। और अगर करीब से देखा जाए तो इस हवेली में इस्तेमाल किए गए गरुड़ा की भी ईस्ट एशियन फीचर्स हैं। तो इस हवेली में इस्तेमाल किए गए गरुड़ा एक नहीं पर कई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मिक्सचर है, विच इज द हॉलमार्क ऑफ सिख आर्किटेक्चरल डॉक्ट्रिन ऑफ फ्यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स। एक और डिजाइन एलिमेंट जो इस मखलूक के गरुड़ा या गरुड़ होने की निशानदेही करता है वो ये है कि इन फिगर्स ने अपने आउटस्ट्रेच्ड हाथों में एक प्याला पकड़ा हुआ है, जो कि हिंदू मिथोलॉजी में अक्सर गरुड़ा को पकड़े हुए दिखाया जाता है। ये प्याला अमृत कहलाता है, यानी आबे हयात और नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, जो हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक गरुड़ा ने अपनी माँ को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए हासिल किया था। इसी तरह इन ब्रैकेट्स में जो तोते बने हुए हैं वो हिंदू मिथोलॉजी में गॉड ऑफ लव यानी मोहब्बत का देवता कामदेव की सवारी का काम अंजाम देते हैं। सो व्हाट मैसेज आर दीज फिगर्स कम्युनिकेटिंग? ये यकीन के साथ कहना तो मुश्किल है कि इनको यहाँ बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि इन फिगर्स का इस्तेमाल हमारे हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में एक गैर मामूली प्रैक्टिस है, बट स्टिल सम स्कॉलर्स हैव अटैच्ड सर्टेन मीनिंग्स टू देम। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, मोस्ट प्रोबेबली इन फिगर्स का मकसद नौनिहाल सिंह की शख्सियत को डिफाइन करना है। इस झरोकाए दर्शन को गरुड़ा और तोते कैरी कर रहे हैं, और यही फिगर्स हिंदू मिथोलॉजी में हिंदू देवता विष्णु और कामदेवा को कैरी करते हैं। यानी नौनिहाल सिंह की शख्सियत को विष्णु और कामदेवा की क्वालिटी से तशबीह दी जा रही है। मिसाल के तौर पे हिंदू रिवायतों में हिंदू देवता विष्णु और गरुड़ा जो हैं वो उनको एक करेज और बहादुरी की अलामत समझा जाता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनको दुनिया का महाफिज यानी प्रोटेक्टर समझा जाता है। सिमिलरली नौनिहाल सिंह भी एक नहायत बहादुर शख्स था, और नौनिहाल सिंह महाराजा रंजीत सिंह की वाहिद औलाद था, जिसमें अपने दादा की सारी क्वालिटीज़ पाई जाती थी। इसलिए उसको आम तौर पे उस ज़माने में पंजाब की रियासत का असल प्रोटेक्टर और फ्यूचर सक्सेसर तसव्वुर किया जाता था। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, इन ब्रैकेट्स में तोतों का मौजूद होना नौनिहाल सिंह की शख्सियत की सॉफ्टर साइड और कंपैशनेट एस्पेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि तोता मोहब्बत और शफकत की अलामत है।
गरुड़ के सर से निकलता हुआ जो जानवर है इसे मकड़ा कहा जाता है। मकड़ा एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है जो आधी मछली और आधा मगरमच्छ होता है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग है प्रोटेक्शन यानी तहफ्फुज़। इसलिए इनको हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल्स की एंट्रेंस पे ईवल फोर्सेस से तहफ्फुज़ की इलामत के तौर पर बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इनको शहजादे को बलाओं और नेगेटिव फोर्सेस से तहफ्फुज़ की इलामत के तौर पर बनाया गया है। और मकड़ा जैसी इस्टेब्लिश ट्रेडिशन का यहाँ इस्तेमाल होना इस तासुर को भी तकवीय देता है कि गरुड़ और तोतों का इस्तेमाल भी महज एज अ स्टैटिस्टिक एलिमेंट नहीं बल्कि एक सिंबल के तौर पर है। इसी तरह जो इस झरोके का क्राउनिंग डोम है इसे बल्बस डोम कहा जाता है यानी बल्जिंग डोम, जो कि सिख आर्किटेक्चर का कॉमन फीचर है। इस डोम की बेस पे अगर आप देखें तो सांप के फन बने हुए हैं। दीज आर कॉल्ड नागा हुड्स दैट अगेन आर अ क्लासिक सिख डिजाइन एलिमेंट, जो कि सिख गुरुद्वारों और श्राइन्स के जो डोम्स हैं उन पे देखने को मिलते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में नागाज आर द सर्पेंट्स जो जेर जमीन रहते हैं and are considered to be guardians of jewels and treasures. In Naga huts ke beech mein water pots bane hue hain jinko kalash kaha jata hai, jo subcontinental art aur architecture ka ek bahut hi classic aur ahem symbol hai jisko Hindu aur Musliman kai sadiyon se apne art mein istemal kar rahe hain. Kalash aaj bhi Hindu gharon mein khushkismati ki alamat ke taur pe istemal hota hai. Is symbol ke teen hisse hain: pyala, uske andar pani aur usme se nikalta hua pauda. The pot symbolizes man or the world, the water represents the life force, and the plant refers to the productive nature of the life force. Ye kalash bare sagir ki art mein prosperity aur khushhali ki alamat ke taur pe istemal hote the. Aur is dome ke top pe ek inverted lotus bana hua hai. Ye lotus Islamic art ka ek bahut widely used motif hai और अक्सर मसाजिद के डोम्स पर देखा जाता है। इंटरेस्टिंगली इस्लामिक डिजाइन एलिमेंट होने के बावजूद ये इन्वर्टेड लोटस बेसिकली बुधा की निशानी है। लोटस का फूल गंदगी में पैदा होने के बावजूद गंदगी से पाक रहता है। सो लोटस के फूल को सब कॉन्टिनेंटल कल्चर में डिटैचमेंट की निशानी समझा जाता था। इसी तरह बुधा ने अपने आप को दुनिया से डिटैच किया और रूहानियत हासिल की, और इसीलिए बुधा की मुनासबत से इन्वर्टेड लोटस विजडम, प्योरिटी और एनलाइटनमेंट की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑल इन ऑल दिस झरोकाई दर्शन इज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस इन द ग्रैंड ट्रेडिशन ऑफ सब कॉन्टिनेंटल आर्किटेक्चर। दौरे माजी में बादशाह जब दरबार में आते थे तो कसीदा गो हर वक्त बादशाह की शान में कसीदा पढ़ते थे। यहां इस झरोके के डिजाइन एलिमेंट्स एक खामोश अलबत्ता मुस्तकिल कसीदा गोई का काम अंजाम देते नजर आते हैं, और साथ ही साथ शहजादे के तहफ्फुज़ और खुशहाली की अलामत भी जाहिर करते हैं। इसी तरह हवेली की दीवारों को फूल, फल और पौधों की पेंटिंग्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न से आरास्ता किया गया है, जो कि इस्लामी तर्ज तामीर के बहुत कॉमन फीचर्स हैं। मुगल दौर की इमारतों में इनका बहुत इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे मकसद खुदा की कुदरत की तारीफ और जन्नत को रिप्रेजेंट करना होता था यानी द गार्डन ऑफ पैराडाइज। और इन फूलों, फलों और पौधों को भी मुख्तलिफ मतलब देने के लिए मुख्तलिफ डिजाइंस में बनाया जाता था, यहाँ तक कि हमारे आर्ट और लिटरेचर में हर फूल की अपनी अलहदा सिम्बलिज्म थी। आई मीन द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट इन आर आर्ट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। दिस रिफाइनमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। मेरे एक बुजुर्ग थे हु वॉज एन आर्ट कॉनेसूअर और आर्ट हिस्ट्री पे वो बहुत अबू रखते थे। वो कहते होते थे कि मखसूस डिज़ाइंस में ये आर्ट वर्क कुरानी आयात की आर्टिस्टिक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे फबियाई आला इरब कुमत कज़बान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये फूल, फल और पौधे खुदा की उन्हीं नेमतों का इजहार है। यहाँ पे खैर इस आर्ट वर्क को उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, बट दिस आर्ट वर्क इज एन अनमिस्टेकेबल फीचर ऑफ इस्लामिक डिजाइन फिलॉसफी। इसी तरह यहाँ इस्तेमाल किए गए जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, ये इस्लामी तर्ज तामीर की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन बाकी कल्चरल डिजाइन फिलॉसफीज की तरह ज्योमेट्रिक पैटर्न्स किसी मखसूस चीज की निशानदही नहीं कर रहे होते, बल्कि दे रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इस्लाम।
जियोमेट्रिक पैटर्न से इमारत को आरास्ता करने का मकसद उसकी फिजिकल लाइंस को डिस्टर्ब करना होता है। यही पैटर्न्स फिर एंडलेसली रिपीट होते रहते हैं, जिसका मकसद खुदा की वाहदानियत और इन्फिनिट नेचर का एहसास दिलाना होता है। सो आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, ये हवेली नौनिहाल सिंह हमारी कई सदियों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ अदवार की आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का बहुत हसीन इम्तिजाज है। Subcontinental art represents one of the richest expressions of philosophical thought and spiritual devotion. Symbols human communication ka zariya hote hain, jinke zariye mukhtalif khayalat, maqasid aur relationships ka izhar kiya jata hai. Isliye symbols ka subcontinental art ke har pehlu se bahut gehra taluq hai. हमारे आर्ट में इस्तेमाल किया गया हर सिंबल इज लोडेड विद लेयर अपॉन लेयर ऑफ मीनिंग एंड डीप फिलोसॉफिकल अंडरकरंट्स मेंट टू अवोक अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन द व्यूअर। कहा जाता है कि किसी भी तहजीब का एडवांस्ड होने की निशानी यह है कि उनका आर्ट कितना प्रोग्रेसिव है। Our artistic traditions are a sign of the advanced collective intellect of subcontinental people. Unfortunately, Sikh architecture represents the last episode in that grand tradition of subcontinental architecture and its deeper philosophical base, kyunki Sikhon ke foran baad angrez daur aaya and British rule marks the end of not only our architectural traditions but also the indigenous artistic expression of the subcontinent. British Raj was not just a simple transition from one ruler to the next. Ye ek complete paradigm shift tha, a shift from one world view to another, a 180 degree shift from our spiritual shared world view society that was based on regional cooperation and trade to one based on exploitation, mercantilism and global competition. इसी शिफ्ट में हमारे यहाँ एक नए तर्ज के आर्ट, द वेस्टर्नाइज्ड आइडिया ऑफ आर्ट को मकबूल किया गया और उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया गया टू प्रमोट कॉलोनियल आइडियल्स, जबकि जो हमारी इंडिजिनस सिस्टम्स और हमारी ट्रेडिशंस थी दे वर डीमोनाइज्ड। नतीजतन आहिस्ता आहिस्ता इंडियन सोसाइटी जो है दैट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ न्यू टाइप ऑफ आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी को अपना अख्तियार समझता था और जिसका काम एक कमोडिटी प्रोड्यूस करना था कॉल्ड आर्ट। ग्रेजुअली इन दिस न्यू सोसाइटी अमंग अदर थिंग्स वी लॉस्ट आवर इंडिजिनस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नेवर टू रिकवर इट। इंपीरियलिस्ट ताकत जो है वो इंडिजिनस कल्चर को हमेशा डीमोनाइज करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि लोकल कल्चर ही मुकामी लोगों की तरक्की का असल राज है। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो हम दुनिया की अमीर तरीन और ताकतवर तरीन रियासत थे, और जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वी वर वन ऑफ द पुअरेस्ट। जो गुरबत और जो बैकवर्डनेस हमने 1947 में इनहेरिट की वो तो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा थी, एंड दैट एक्सप्लॉयटेशन वॉज अचीव्ड थ्रू कम्प्लीट कल्चरल डोमिनेशन, जिसमें ना सिर्फ हमारी कल्चरल बैकबोन को तबाह किया गया बल्कि हमारे माशरे की जो वैल्यूज़ थी उनको भी कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ से पहले सोसाइटी में ट्रेडिशन से वाबस्तगी एलिटिज्म की निशानी थी। ट्रेडिशन के सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स और पेट्रन्स सोसाइटी के एलिट्स हुआ करते थे। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में एलिटिज्म और स्टेटस की निशानियाँ वेस्टर्न क्लोथ्स, टेबल मैनर्स और अंग्रेजी जबान जैसे ब्रिटिश एलिमेंट्स बन के रह गए हैं, व्हाइल ट्रेडिशन इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में अपना कैपिटल बना रहे थे तो उसको रोमन तर्ज के आर्किटेक्चर पे तामीर करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन पे सख्त तनकीद हुई कि बड़े सगीर की अपनी इतनी रिच ट्रेडिशंस जो हैं उनको क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया जा रहा। इस तनकीद के बाद अंग्रेज़ों ने लोकल स्टाइल को अपने आर्किटेक्चर में अपनाया तो सही, लेकिन सिर्फ एक ज़ाहरी स्टाइलिस्टिक एलिमेंट के तौर पे, यानी
जो हमारे आर्किटेक्चर की डीप फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल बेस थी और सिंबलिज्म की खूबसूरत रवायत थी उनके बगैर। 1930 की दहाई में अंग्रेज ट्रैवल राइटर रॉबर्ट बायरन इंडिया आया तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर को देख के अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में किया, इन अ कंट्री फुल ऑफ गुड एग्जाम्पल द इंग्लिश हैव लेफ्ट द मार्क ऑफ द बीस्ट। अंग्रेज तो खैर कब के चले गए, लेकिन हम कभी वापस अपने उन सिस्टम्स पे, अपनी उन वैल्यूज पे नहीं गए दैट मेड अस रिच एंड पावरफुल इन द फर्स्ट प्लेस। अंग्रेज के जाने पे शायद जो हमारा सबसे बड़ा एसेट था जिससे हम महरूम हो गए वो थी हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी। इसीलिए इस हवेली की कदर और भी ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली एज अ स्पेसिमन ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स रिच आर्किटेक्चरल लेगेसी, बल्कि अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट की जो सोशल हार्मनी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की रवायात थी उनकी अलामत के तौर पर भी। बिकॉज द आर्टिस्टिक फिलोसफीज ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ऑल डेनिस्टीज स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर इन द कॉम्पोजिशन ऑफ हवेली नोनेहाल सिंह, एंड दैट्स वॉट मेक्स दिस हवेली ट्रूली स्पेशल।